आज का हमारा टॉपिक है एडेप्टेशन। ये टॉपिक आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, जिसमें आप जीरोफिटिक हैबिटेट और हाइड्रोफाइट्स इनकी आप स्टडी करेंगे। तो आप प्रैक्टिकल के हिसाब से पढ़िएगा इसको। आप थ्योरी में पढ़ चुके होंगे, सहेली मैडम का पेपर है ये, बट मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ आपको यहाँ समझा रही हूँ कि आपको इसमें बेसिकली पढ़ना क्या है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर दो क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में। एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स कैन सर्वाइव इन मेनी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स। जैसे आपको पता है कि जो प्लांट्स है कई एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी आसानी से सर्वाइव कर सकता है, यानी वो जिंदा रह सकता है। उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि वो वहाँ पर उसमें एडेप्टेशन पाया जाता है। जैसे जीरोफिटिक जीरोफाइट्स है, तो यहाँ पर डेजर्ट प्लांट्स इसमें ग्रो करते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो वाटर में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे पोंड में पाए जाते हैं, रिवर में, स्वैम्प में, तो ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर में ग्रो करते हैं तो उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और जो जीरोफिटिक हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, जीरोफिटिक मतलब मरोद्भिद लक्षणों में, जहाँ मरोद्भिद आवास पाया जाता है, तो वहां पर अगर जो प्लांट ग्रो करते हैं तो वो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दीज एनवायरमेंट्स, दीज प्लांट नीड टू हैव एडेप्टेशन। तो इस एनवायरमेंट में इन प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? उनके पास एडेप्टेशंस होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो क्या है, उस एनवायरनमेंट में आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। अब ये किस तरह के अडेप्टेशन हैं? या आप यहाँ पे जीरोफिटिक प्लांट देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे कैक्टस है, तो कैक्टस की जितनी भी स्पीसीज है वो सारी जीरोफाइट्स में आती हैं। तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में एक जीरोफाइट्स का प्लांट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसको आइडेंटिफाई करिए और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिखिए। तो ये तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जो आप बाहर से देख के कैरेक्टर लिखेंगे। तो देखिए, आप कैरेक्टर भी दो तरह से लिखते हैं। अगर सिर्फ बाहर का डायग्राम दिया गया है तो आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी लिखनी है, और यदि इसका टीएस दिया गया है, उसकी एनाटोमी पूछी गई है, तो इसके इंटरनल कैरेक्टर लिखने हैं आपको। तो दोनों में डिफरेंस है। तो दो तरह के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, एक तो इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और दूसरी इसकी इंटरनल यानी एनाटॉमी। तो दो तरह से इससे आपसे प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस पुट अप होंगे। अब जैसे जीरोफाइट हैबिटेट्स है, एडेप्टेशन है, तो इसमें क्या होगा? जो जीरोफाइट होंगे तो इनमें वेल एस्टाब्लिश रूट सिस्टम्स होगा। आप जानते हो जीरोफिटिक हैबिटेट में पानी की कमी होती है, तो अब वहां पर प्लांट्स को वाटर एब्जॉर्ब करना है, तो वाटर के लिए उसको क्या है, रूट वेल डेवलप होनी चाहिए ताकि वो डीपली अंदर जा सके और वाटर को इजीली एब्जॉर्ब कर सके। तो इसलिए जीरोफिटिक प्लांट्स में क्या होता है, रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सेकेंड, ग्रो डीपली एंड इन ऑल डायरेक्शन इन ऑर्डर टू एंकर द प्लांट इन सैंडी सोइल एंड अगेंस्ट द विंड्स। तो ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड है? उसका कारण ये है कि ताकि जो है ना रूट, एक तो सोइल में डीपली पेनिट्रेट कर सके और सारी डायरेक्शन में वो फैल जाए, और फैलने के बाद क्या करे, वो प्लांट को अच्छी तरह से मजबूती से बांध के रख सके सोइल के अंदर। अब सैंडी सोइल है तो सैंडी सोइल में वो उसको इजिली बाइंड करके रख सके, और वहां पर जो तेज विंड चल रही है तो उसके अगेंस्ट भी उसको प्रोटेक्शन मिल सके। अगर मान लो सोइल में रूट सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता और खूब तेजी से वहां विंड चल रही होती, तो प्लांट इजीली क्या हो जाता, गिर जाता, उसका फॉल हो जाता। तो इसलिए उसमें इस तरह के एडेप्टेशन पाए जाते हैं। तो जीरोफिटिक प्लांट्स में इसलिए उसका रूट सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। हेल्प्स टू मैक्सिमाइज वाटर अपटेक। इससे एक फायदा और होता है कि उसको वाटर को अपटेक करने में, ज्यादा से ज्यादा वाटर अपटेक करने में भी उसको हेल्प मिलती है। अगर रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड होगा तो वहां पर वो वाटर भी ज्यादा अमाउंट में क्या कर सकता है, अपटेक कर सकता है, और डीपली जाती है, काफी गहराई तक रूट जाती है इनमें जीरोफिटिक एडेप्टेशन में। अब देखिए, अगर इसकी लाइफ साइकिल जो है शॉर्ट लाइफ साइकिल, ग्रो फ्रॉम सीड टू मेच्योर प्लांट्स, प्रेजेंट
प्रोड्यूस फ्लावर फ्रूट्स एंड सीड इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. तो शॉर्ट पीरियड के लिए इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट्स पर फ्लावर्स फ्रूट्स और सीड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं. दीज फ्यू डेज कैन कोइंसाइड विद द फ्यू डेज ऑफ रेन. तो ये कुछ समय ही है जिसमें कि यह क्या कर सकता है कि अपने लाइफ साइकिल को आगे सर्वाइव करने के लिए जैसे सीड चाहिए तो सीड को वो बना पाता है. दूसरा क्या होता है कि इसमें थिकंड वैक्सी क्यूटिकल होती है, तो इसके चारों तरफ एक वैक्स की कोटिंग होती है, तो वैक्स की क्यूटिकल पाई जाती है, मोटी होगी. प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस बिकॉज द क्यूटिकल प्रिवेंट्स द वाटर दैट लीव्स ऑलरेडी हैव फ्रॉम एस्केपिंग ड्यू टू द हाई हीट एंड इंटेंस सनलाइट. तो आप जानते हो कि जियोफिटिक हैबिटेट में वहां पर एनवायरमेंट में टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, वहां पे हीट बहुत ज्यादा होती है. तो ऐसे एनवायरमेंट में अगर प्लांट में थिक क्यूटिकल नहीं होती तो वाटर का ई वेपोरेशन भी बहुत ज्यादा होता. तो वाटर को प्रिवेंट करने के लिए, वाटर लॉस को रोकने के लिए वहां पर क्या पाई जाती है, थिक क्यूटिकल पाई जाती है. तो आप जब भी इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, आप भले एनाटोमी देखिए, मॉर्फोलॉजी आपने देखा ही, इसका स्टेम काफी थिक होता है, तो इसलिए इसके एपिडर्मिस की सरफेस पे हमेशा आपको क्या दिखेगी, थिक क्यूटिकल. और थिक क्यूटिकल का क्या बेनिफिट है, ताकि वाटर लॉस को ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंट किया जा सके. यदि इन प्लांट्स में थिक क्यूटिकल नहीं होती तो आप सोचिए कितनी परेशानी होती. वाटर तो वाटर लॉस के थ्रू यूं ही इवेपोरेट हो जाता, तो ये वाटर की शॉर्टेज को कैसे पूरा करते. इसलिए ये इनमें एक एडेप्टेशन है. इस तरह के प्लांट्स में जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं इनमें थिक क्यूटिकल पाई जाती है, उसका यही कारण है. ये सारे एडेप्टेशन की वजह से ही है, ताकि ये ऐसे एनवायरमेंट में ये प्लांट्स इजीली सर्वाइव कर सके. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, अगर आप इसको मॉर्फोलॉजिकली देखें तो इसमें रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, और एनाटोमिकली यदि आप देखते हैं तो इसमें क्या है, क्यूटिकल की थिक लेयर पाई जाती है जो वैक्स की बनी हुई होती है. आप उसका थोड़ा फंक्शन लिख दीजिए कि थिक क्यूटिकल की वजह से प्लांट्स में वाटर लॉस कम से कम होता है, तो प्रिवेंट हो जाता है. तो ये इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. जीरोफिटिक आपने एडेप्टेशन में याद हो तो C4 प्लांट्स भी पढ़े थे, केम प्लांट्स भी पढ़े थे, तो उनमें आपने देखा था कि उसमें जो स्टोमेटा है वो नाइट में ही ओपन होते थे या डार्क में होते थे. तो उसका रीजन क्या था, क्योंकि वो जीरोफिटिक हैबिटेट में ग्रो कर रहे थे. यदि दिन में स्टोमेटा ओपन हो जाते इन प्लांट्स में तो वाटर लॉस तो मैक्सिमम हो जाता. तो ये एक तरह के एडेप्टेशन है जो इनको इन एनवायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. तो ये देखिए, दीज प्लांट्स ओनली ओपन देयर स्टोमेटा इन द डार्क एट नाइट. तो ये जो प्लांट्स है अपने स्टोमेटा सिर्फ डार्क कंडीशन में ही और रात में ही ओपन करते हैं. द कूलर टेम्परेचर्स अलाउज द प्लांट टू अपटेक CO2 थ्रू देयर स्टोमेटा विदाउट सैक्रिफाइजिंग वाटर. तो देखिए, जब वाटर जब एनवायरमेंट में टेम्परेचर कम होता है, नाइट में आप जानते हो टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा कम रहता है, कूल रहता है एनवायरमेंट. तो कूल एनवायरनमेंट में क्या होता है, स्टोमेटा इनके जब ओपन होते हैं तो CO2 का ये ज्यादा से ज्यादा अपटेक कर लेते हैं. और कैसे अपटेक कर लेते हैं, बिना वाटर के लॉस किए हुए, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है. इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन कब ज्यादा होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा हीट होगी वाटर, उतना ज्यादा इवेपोरेट और उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन नहीं, उसका वाष्पोत्सर्जन होगा. ठीक है, तो वॉट कैन हेल्प यू टू रिमेंबर द एडेप्टेशन, इमेजिन यू आर इन दैट एनवायरमेंट, वॉट वुड यू नीड. आप खुद सोचिए, यदि आप इस तरह के एनवायरमेंट में होते तो आपको किस चीजों की जरूरत होती. ठीक है, तो ठीक इसी तरह से प्लांट्स को भी इस तरह के एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए कुछ एडेप्टेशन की जरूरत होती है. तो ये इस तरह के एडेप्टेशन है जो इनको इस तरह के एनवायरमेंट में प्रिवेंट करते हैं. नेक्स्ट, हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स मतलब वे प्लांट जो कि वाटर में ग्रो करते हैं, उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं. एडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स हैव लॉट्स ऑफ एयर स्पेस इन देयर टिश्यू. आप जब भी इन प्लांट्स की एनाटॉमी की स्टडी करेंगे, चाहे आप लीफ का TS कीजिए, रूट का करिए, या इसके पिटियोल स्टेम, किसी भी पार्ट का यदि आप TS करते हैं, तो इसमें मैक्सिमम अमाउंट में आपको एयर स्पेसेस दिखाई देंगी. ये आप देख रहे हैं, लार्ज एयर स्पेसेस है ये. इसका क्या फायदा है, क्योंकि ये वाटर में रहते हैं. देखो,
तो वाटरमैन को फ्लोट होना है, इनको तैरना है वहां पे, तो ये स्पंजी होंगे, लाइट वेट होंगे, तभी तो आसानी से वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेंगे। यदि ऐसे टिश्यू नहीं होते तो ये तो वाटर में डूब जाते और ये तो इनकी ये तो जल्दी से सड़ जाते और इनकी डेथ हो जाती। तो ये एक तरह का एडेप्टेशन है हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में कि उनमें एयर स्पेसेस उनके टिश्यू में ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ताकि क्या होता है इससे कि ये वाटर में इजिली फ्लोट कर सके, इससे इनको हेल्प मिलती है। तो देखिए इसके हम कैरेक्टर एक बार रीड कर लेते हैं। हैव लॉट्स ऑफ एयर स्पेसेस इन देयर टिश्यू, तो इनके टिश्यू में बहुत ज्यादा संख्या में नंबर में एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। दिस हेल्प्स देम टू फ्लोट इन वाटर, ताकि इन्हें वाटर में फ्लोट करने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है। एडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स, रूट्स इन वाटर लॉस्ट सॉइल आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स और निमेटिव फोर्स। आपने कुछ प्लांट्स में देखा होगा जो दलदल वाले मार्शी प्लेस पर जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, एक्चुअली ट्रीज जो ग्रो होते हैं, उनमें कुछ रूट्स जो है सोइल सरफेस से ऊपर की तरफ ग्रो करने लग जाती है। तो ये सोइल सरफेस से ऊपर की तरफ ग्रो करती है, इसका पर्पस क्या है? उसका कारण है कि सोइल में उतनी उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है जितनी इनको सोइल सरफेस से बाहर मिलती है। तो ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीथिंग के लिए ये रूट्स क्या होती है, सोइल की सरफेस से ऊपर की तरफ आ जाती है, ताकि क्या इनको आसानी से क्या है एनवायरमेंट में ऑक्सीजन मिल सके। तो इसलिए ये क्या होता है, रूट सरफेस के ऊपर की तरफ ग्रो करने लग जाती है। और इस तरह की रूट्स को हम क्या कहते हैं, निमेटोफोर्स। जो ये रूट्स जो कि सोइल सरफेस से ऊपर की तरफ ग्रो करती है, उसका रीजन है ये ब्रीथिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ऊपर की तरफ ग्रो करती है, और इस तरह की रूट्स को हम निमेटोफोर्स कहते हैं। ये पढ़ा हमने कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स और निमेटोफोर्स। दीज रूट्स ग्रो टू रीच द सरफेस अबव द वाटर इन द ऑर्डर टू ऑब्टेन CO2 टू सर्वाइव। तो ये रूट वाटर की सरफेस से या सोइल की सरफेस से ऊपर की तरफ ग्रो करने लगती है, और ज्यादातर ये मार्शेस इतने दलदल वाले एरियाज होते हैं वहां पर इस तरह के प्लांट्स में ये रूट्स पाई जाती है। अडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स, अगेन इफ यू वर इन दैट एनवायरमेंट तो व्हाट विल यू नीड टू सर्वाइव। यदि आप इस तरह के एनवायरमेंट में होते और यदि वाटर के अंदर होते तो आप कैसे ब्रीथ करते, आप इमेजिन करिए। और वाटर की सरफेस पे फ्लोट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता, किस चीज की रिक्वायरमेंट होती आपको। तो सेम इस चीज की, इस रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए ही प्लांट्स में इस तरह के अडेप्टेशन पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट अ प्लांट्स विच ग्रोज ओनली इन और ओन वाटर, तो वे प्लांट जो सिर्फ और सिर्फ वाटर की सरफेस पर या वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, इन्हें हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। इनके अडेप्टेशन मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि इनमें लार्जर अमाउंट में एयर स्पेसेस पाए जाते हैं, हैविंग नो स्टोमेटा और वैक्सी क्यूटिकल। इनमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते, इनमें वैक्सी क्यूटिकल एबसेंट होती है, रिड्यूस और नो जाइलम सेल फाउंड। तो देखिए इनमें अगर जाइलम होता है तो वो भी रिड्यूस होता है, और यदि नहीं भी होगा तो जाइलम सेल जो है वो वेल डेवलप नहीं होती है, लेस डेवलप होती है। तो एनाटॉमिकली यदि हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर आपसे पूछे जाते हैं तो ये 3 और 4 कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए। फर्स्ट, लार्ज एयर स्पेसेस पाया जाना लार्ज अमाउंट में। सेकंड, स्टोमेटा की शॉर्टेज, वैक्सी क्यूटिकल नहीं पाई जाती है, और वैस्कुलर टिश्यूज स्पेशली जाइलम जो होता है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, ये तीन या फोर कैरेक्टर आपको मेंशन करने होते हैं हर हाइड्रोफिटिक प्लांट्स की एनाटॉमी में, क्योंकि हाइड्रोफिटिक प्लांट्स वाटर में, देखिए वाटर के अंदर है तो उनको वाटर की तो नीड ही नहीं है, और नहीं उनको वहां पे प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो जो वैक्सीन की कोट हो, वहां वैक्स की कोट हो, स्टोमेटा की ज्यादा जरूरत है नहीं। इसलिए यहाँ पर इन चीजों की, जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, तो जाइलम की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बट एयर स्पेसेस लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं क्योंकि इनको फ्लोट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हाइड्रोफिटिक प्लांट्स के, ये आपको प्रैक्टिकल में मेंशन करने हैं, चाहे कोई सा भी हाइड्रोफिटिक प्लांट्स आए। आप देखिए कुछ हाइड्रोफिटिक प्लांट्स, जैसे ये एक हाइड्रिला प्लांट है, ये एग्जाम में आपको उसका डायग्राम दे दिया जाएगा और स्पॉटिंग में पूछा जाएगा, राइट
एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ गिवन प्लांट्स, तो दिए गए प्लांट्स की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी लिखी है, ये बाहर से कैसा है। अब ये आप जानते हैं, फर्स्ट चीज तो ये हाइड्रोफिटिक प्लांट है, आप ये डायग्राम बना दीजिए एक तो सबमर्ज्ड, एंकर्ड और सस्पेंडेड हाइड्रोफाइट, तो ये ज्यादातर सबमर्ज्ड होता है। स्टेम इज अटैच्ड टू सबस्टेटम विद हेल्प ऑफ एडवेंटिशियस रूट, देखिए जो इसका स्टेम होता है सबस्टेटम पर एडवेंटिशियस रूट की सहायता से अटैच रहता है। स्टेम इज डेलिकेट, फ्लेक्सिबल और फ्रीली ब्रांच्ड, तो आप कभी भी हाइड्रोफिटिक प्लांट्स को देखिएगा इसका स्टेम डेलिकेट होता है ताकि ये वाटर करंट में इजीली फ्लो हो सके। अगर टाइट होता, बिल्कुल हार्ड होता तो ये एक ही जगह टिका रहता, तो हो सकता है कट लग जाता और स्टेम वहीं पर खत्म हो जाता। इसलिए इसका स्टेम एक्चुअली क्या होता है, डेलिकेट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसमें ब्रांचिंग भी बिल्कुल फ्री होती है ताकि किसी भी डायरेक्शन में ये इजीली मूव कर सके और इसमें डैमेज ना हो, इसलिए ये फ्लेक्सिबल और डेलिकेट होता है। लीफ आर ससाइल, स्मॉल, ऑपोजिट इन बेसल नोट, फाउंड इन वर्ल ऑफ 3 to 8, तो जो इसमें लीव्स होती है बेसिकली ससाइल होती है, यानी उसके लीफ के बेस पर कोई पिट्योल नहीं होता है। लीव्स जो है वर्ल्स में अरेंज जाती है, वर्ल्स यानी चक्र में पाई जाती है, बट कहाँ पाई जाती है आप देख रहे हैं, ये प्लांट देखिए ये नोड है यहाँ पर और ये इंटर नोड है, एक मिनट, तो नोड और इंटर नोड में डिफ्रेंशिएटेड है। और नोड पर ये देखिए, ये प्लांट जो है ये जो सेंटर वाला एरिया है इसको हम इंटर नोड कहते हैं, और ये जहां से लीव्स का वर्ल्स अराइज हो रहा है इसको हम नोड कहते हैं। तो नोड पर लीव्स जो है वर्ल्स में लगी रहती हैं। तो ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है इसकी, तो लीव्स स्मॉल होती है और कैसी होती है, नोड पर 3 to 8 की वर्ल्स में पाई जाती है। लीव हैविंग नो स्टोमेटा, नो क्यूटिकल एंड एनी स्क्लेरल काइमेटा टिश्यू, तो देखिए जो चीज जीरोफिटिक प्लांट में मैक्सिमम पाई जाती है वो हाइड्रोफिटिक प्लांट में नहीं पाई जाएगी। आपको पता है कि ये कौन से हैबिटेट में पाया जाता है प्लांट, वाटर में पाया जाता है, तो इसको इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे। और दूसरी बात, स्टोमेटा क्या काम करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। दूसरी बात, यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तो वाटर का लॉस करना है, तो वाटर में रह रहे हैं तो इनको तो वाटर की कमी है ही नहीं, इसलिए इन प्लांट्स को में ना तो क्यूटिकल होगी और ना ही स्टोमेटा होगा और ना ही इनमें थिक टिश्यूज होंगे, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज। ये आपको 4 कैरेक्टर, सबको 4 or 5 कैरेक्टर लिखने हैं, हाइड्रिला प्लांट्स एग्जाम में पूछा जाता है, या तो हाइड्रिला या कैक्टस, और क्योंकि आपके 3 या 4 बैचेस होते हैं और हर बैच में रिपीट नहीं होता है, इसलिए एक बैच में अगर जीरोफिटिक आता है तो दूसरे में हाइड्रोफिटिक आता है, ये रोटेट होते हैं क्वेश्चन। तो ये हाइड्रिला क्या हो गया, एक तरह से हाइड्रोफिटिक प्लांट हो गया, ये दोबारा रिपीट हो गया है, हाँ ये भी शायद दोबारा रिपीट हो गया हाइड्रोफाइट्स, ठीक है ये हो गया रिपीट, अरे बैक चल रहे हैं हम, सॉरी मैं सोचू ये रिपीट क्यों हो गया, हाँ तो ये हाइड्रिला का और भी है। स्टेम इज व्हाइटिश ग्रीन विथ लॉट्स ऑफ एरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स, तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो स्टेम जो है वो व्हाइटिश ग्रीन कलर का होता है इसका, और साथ में इसमें एरेन्काइमेटा टिश्यू ज्यादा पाए, कॉर्टेक्स में जो एयर चैम्बर पाए जाते हैं उनको हम एरेन्काइमा कहते हैं, इस तरह के टिश्यू को हम एरेन्काइमा कहते हैं, तो ये कॉर्टेक्स में एरेन्काइमेटस सेल्स ज्यादा पाई जाती है। जाइलम इज रिप्लेस बाय सेंट्रल कैविटी, इस तरह के प्लांट में यदि आप पिट्योल का टीएस देखेंगे तो सेंटर में ना एक जाइलम सिर्फ कैविटी होती है, मतलब जाइलम के कोई एलिमेंट नहीं पाए जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा इसके एनाटोमी में कि यहाँ पर जाइलम जो है लेस डेवलप होता है या एब्सेंट होता है, तो जाइलम अगर पाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक कैविटी की फॉर्म में पाया जाता है। होल प्लांट इज कवर्ड बाय म्यूसिलेज, तो जितने भी हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनकी सरफेस कंप्लीट म्यूसिलेज से कवर्ड रहती है, ताकि आप जानते हो म्यूसिलेज क्या है, एक स्टिकी सब्सटेंस है, चिपचिपा पदार्थ है ये, अगर प्लांट की लीव्स की सरफेस पर वाटर लंबे समय तक रहेगा तो लीव्स तो सड़ जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी वो, तो उस पर पानी से प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी सरफेस पे क्या पाया जाता है, यहाँ पर म्यूसिलेज, म्यूसिलेज कब से कवर्ड रहती है। प्लांट इज डल ग्रीन इन कलर, तो प्लांट जो होता है डल ग्रीन कलर का होता है क्योंकि पानी में पाया जाता है तो क्लोरोफिल वगैरह क्या है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोफिटिक प्लांट है आइकोर्निया,
आपको एग्जाम में ये डायग्राम बनाना है आई कॉर्निया का। इंग्लिश मीडियम वाले सभी, अभी नहीं, जब मैं आपको दिखाऊंगी ये प्रैक्टिकल में मेंशन करूंगी कि आज के प्रैक्टिकल में आपको ये लिखना है, तब ये डायग्राम्स बनाने हैं सारे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और इनके ये 5 या 6 कैरेक्टर लिखने हैं सबको। तो ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट होता है। प्लांट्स इज गेट रूटेड इन मड व्हेन आफ्टर लेवल लो, जब सॉरी वाटर लेवल जब लो होता है तो ये क्या होता है, इसकी जो रूट होती है मड में पाई जाती है, जो मड्स होते हैं ना कीचड़ वगैरह ऐसी जगह पर इनकी रूट्स पाई जाती है। स्टेम इज हॉरिजेंटल स्पंजी, इसका जो स्टेम होता है देखिए ये हॉरिजेंटली ग्रो करता है और स्पंजी होता है। समवॉट पिंकिश रूट, कभी कभी इनमें पिंकिश रूट भी पाई जाती है। फाइब्रस रूट विथ रूट पॉकेट्स, रूट में फाइब्रस रूट तो पाई जाती है, साथ में रूट पॉकेट्स भी पाया जाता है। तो ये आइकोर्निया है, आइकोर्निया को वाटर लिली कहते हैं हम। ये सारे हाइड्रोफिटिक प्लांट्स है आइकोर्निया। ये देखिए वापस आ गया। लीव्स जो है इसकी रिट्योलेटेड होती है, स्टोर एयर, हेल्प प्लांट टू फ्लोट। देखिए थोड़ा सा इसका शेप देख रहे हैं, इसकी लीफ का कैसा होता है, इसको रिट्योलेट कह रहे हैं, ताकि ये क्या है, प्लांट है ना, एयर को स्टोर कर लेता है और स्पंजी हो जाता है और इजीली क्या हो जाता है, ये फ्लोट करता रहता है। हाइपोडर्मिस फाउंड विद नो वैस्कुलर बंडल, तो हाइपोडर्मिस तो पाई जाती है बट उसमें वैस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते हैं। रूट आर कवर्ड विद वैक्सी कोटिंग, और रूट होती है वो वैक्स की कोटिंग के द्वारा कवर्ड रहती है। तो ये आइकोर्निया के कैरेक्टर से कुछ आपको जीरोफाइट में मैंने आपको बता दिया स्टोमेटा कैसे होते हैं, सनकन होते हैं, ठीक है, अंदर धसे हुए रहते हैं, वैक्स की क्यूटिकल पाई जाती है ताकि वाटर कम से कम लॉस हो सके और ट्रांसपिरेशन से हेल्प मिल सके। और ये एडेप्टेशन, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा कंपेरेटिव दे रखा है एडेप्टेशन। ये देखिए थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल क्या करती है, स्टॉप्स अनकंट्रोल इवेपोराइजेशन थ्रू लीव सेल्स, लीव सेल्स के द्वारा जो अनकंट्रोल इवेपोरेशन होता है उसको रोकता है क्यूटिकल। स्मॉल लीफ एरिया, अगर लीफ का एरिया स्मॉल होगा तो लेस सरफेस आर फॉर इवेपोरेशन, लीव्स का एरिया छोटा हो गया तो क्या होगा, इवेपोरेशन के लिए लीफ का सरफेस भी छोटा रहेगा। ज्यादातर जितने भी ये जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं आपने उसमें देखा होगा उसकी लीफ जो है निडल में कन्वर्ट हो जाती है या निडल लाइक हो जाती है। तो कॉनिफर्स में निडल्स लाइक लीव्स होती हैं, कैक्टस में स्पाइंस होते हैं, तो इसका मेन फंक्शन यही होता है कि वहां पर लीफ का एरिया कम हो जाता है। जब स्मॉल लीफ सरफेस होगी तो वहां पर इवेपोरेशन भी कम से कम होगा। लो स्टोमेटा डेंसिटी, तो वहां पर क्या है, स्टोमेटा की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, कम होती है। ये जीरोफाइट्स के ये भी सारे, तो इनमें क्या है, स्टोमेटा की डेंसिटी कम होती है। क्यों होती है, ताकि क्या है, स्मॉल एरिया पर ही डिफ्यूजन हो। अगर स्टोमेटा कम नंबर में होंगे तो कम से कम डिफ्यूजन होगा। सनकन स्टोमेटा होते हैं, यानी स्टोमेटा थोड़े अंदर सब स्टोमेटल केविटी में पाए जाते हैं, ताकि वहां पर क्या हो, अगर ह्यूमिड एनवायरनमेंट में स्टोमेटा है तो वो उनको हम मेंटेन कर सके और ज्यादा से ज्यादा वहां पे इवेपोरेशन ना हो, ट्रांसक्रिप्शन ना हो। नेक्स्ट है स्टोमेटल हेयर्स, ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। तो कुछ स्टोमेटा के चारों तरफ आप देखना हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम ट्राइकोम्स कहते हैं। तो ये भी इवेपोरेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। रोल्ड लीव्स, कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो रोल रहती हैं, थोड़ी सी घूमी भी रहती हैं, तो ये भी क्या करती है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में स्टोमेटा के चारों तरफ ऐसे इस तरह के एनवायरनमेंट में पाई जाती है और ये इवेपोरेशन से प्रोटेक्ट करती है। एक्सटेंसिव रूट्स, रूट्स बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है, ताकि क्या हो कि मैक्सिमाइज वाटर अपटेक, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर का अपटेक किया जा सके, और ऐसा कहाँ पाया जाता है, कैक्टस में। तो ये सारे अडेप्टेशन थे जो कि जीरोफिटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये आप सारे चार्ट सभी पढ़िएगा, आपको इकोलॉजी वाले पेपर में भी हेल्प मिलेगी। ये सारे कैक्टस हैं, टाइप्स ऑफ कैक्टस जो जीरोफिटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल है।
अडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स। देखिए अब हमने जैसे मैंने अडेप्टेशन दो तरह से बताया था, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन और एनाटोमिकल। इसमें स्लाइड में मैंने थोड़ा डिटेल ले ली है, आपको हेल्प मिलेगी कि अगर पूछ लिया जाए कि इसकी रूट्स किस तरह की होती है हाइड्रोफिटिक प्लांट्स की, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि पुअरली डेवलप होती है, बहुत कम विकसित होती है इनकी रूट्स, रिड्यूस होती है या एबसेंट होती है। तो कैसी होती है हाइड्रोफिटिक प्लांट्स की रूट्स? बहुत कम विकसित होती है, रिड्यूस होती है या एबसेंट होती है। रूट्स आर नॉट रिक्वायर फॉर एब्जॉर्प्शन, रूट को वाटर एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि वो पानी में पाई जाती है। एंटायर प्लांट सरफेस कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, क्योंकि पूरा ही प्लांट सरफेस वाटर के अंदर होता है तो वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, मिनरल को इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। रूट कैप्स यूजुअली एब्सेंट, रूट के चारों तरफ रूट कैप नहीं पाई जाती है। रूट पॉकेट्स आर रूट शीथ मे डेवलप फॉर प्रोटेक्शन, बट रूट के चारों तरफ रूट शीथ और जो पॉकेट्स है वो डेवलप हो जाती है ताकि उसको क्या हो जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए। तो रूट जो होती है ना, दो टाइप की रूट डेवलप होती है। ये एक जूसिया प्लांट है, उसमें नॉर्मल रूट होती है, फ्लोटिंग रूट होती है। तो ये अलग अलग प्लांट्स का है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर याद रखिएगा कि रूट जो है लेस डेवलप होती है, पुअरली डेवलप होती है। उसका कारण आपको पता चल गया कि इनको वाटर एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पूरा का पूरा प्लांट ही वाटर की सरफेस पर होता है या अंदर होता है। तो ये याद रखिएगा। स्टेम की बात करें तो मैंने बताया था स्टेम काफी डेलिकेट होता है, यूजुअली ग्रीन इन कलर होता है, समटाइम्स मॉडिफाइड इनटू राइजोम और रनर। तो कई बार ये राइजोम और रनर में भी ये मॉडिफाइड हो जाता है। तो आपको एग्जांपल में बता चुकी हूँ, हाइड्रीला है, आइकॉर्निया है, वेलिसनेरिया है, बहुत सारे प्लांट्स हैं हाइड्रोफाइट्स। लीव्स कैसी होती इनकी? इन फ्लोटिंग प्लांट्स लीव्स लॉन्ग सर्कुलर ग्रीन थिन एंड स्मूथ। तो ज्यादातर फ्लोटिंग प्लांट्स में जो लीव्स होती है वो लंबी होती है, आपने देखा होगा रिबन लाइक, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, लीव्स जो है रिबन लाइक होती है। तो काफी लॉन्ग होती है, सर्कुलर होती है, ग्रीन कलर की होती है और स्मूथ होती है। अपर सरफेस एक्सपोज टू एयर, लोअर सरफेस टच वाटर। तो जो लीव्स की ऊपर वाली जो सतह होती है, अपर सरफेस जो होती है वो एयर के कॉन्टेक्ट में रहती है, जबकि इसकी लोअर सरफेस जो होती है आपको पता है वो वाटर के कॉन्टेक्ट में रहती है। इन लोटस पिट्यूल शो इनडेफिनाइट ग्रोथ, जो लोटस प्लांट में जो पिट्यूल होता है उसमें इनडेफिनाइट ग्रोथ होती है। ऑलवेज कीप द लीफ फ्लोटिंग, हमेशा इसकी लीफ जो है वाटर की सरफेस पर फ्लोट करती रहती है। हेट्रोफिली प्रेजेंट इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में आप देखेंगे मॉर्फोलॉजिकली लीव्स में डिफरेंस पाया जाता है, यानी लीव्स दो तरह की लीव्स पाई जाती है। अब सबमर्ज लीव्स आर लीनियर और रिबन लाइक, हाईली डिसेक्टेड। जो सबमर्ज प्लांट होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो भी सबमर्ज होती है और लंबी लंबी लीनियर होती है, रिबन की तरह होती है देखने में और काफी कटी फटी होती है वो। फ्लोटिंग लीव्स आर एरियल लीव्स आर यूजुअल सर्कुलर, जो लीव वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती हैं तो वो लीव ज्यादातर कैसी होती है, एरियल होती हैं, और इसलिए वो उनका शेप भी सर्कुलर होता है, बड़ी बड़ी होती हैं, आपने देखा होगा गोल सी होती हैं, तो वो क्योंकि फ्लोटिंग होती है। ये लीव्स जो देखिए लीव्स की मॉर्फोलॉजिकल है ना, लीव्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स आर विद स्मूथ वैक्सी सरफेस। तो जितने भी फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं, उसकी जो लीव्स होती हैं वो फ्रीली वाटर की सरफेस पर फ्लोट करती हैं और उन पर वैक्स की सरफेस पर वैक्सी सरफेस होती है उन पर। वैक्स कोटिंग प्रोटेक्ट्स द लीव फ्रॉम केमिकल्स एंड फिजिकल इंजरीज। जो वैक्स की कोटिंग है एक्चुअली इन लीव्स को केमिकल और फिजिकल जो भी बाहरी आघात होते हैं उसको, किसी भी केमिकल से या फिजिकल एक्टिविटी से जो भी इसको नुकसान होने वाला है उससे प्रोटेक्ट करती है। प्रिवेंट वाटर लॉसिंग ऑफ स्टोमेटा, तो वाटर से प्रोटेक्ट करती है, बहुत ज्यादा वाटर लॉसिंग ना हो उससे भी प्रोटेक्ट करती है। लीव्स ऑफ आइकॉर्निया विद स्वेलन एंड स्पंजी पिट्यूल, तो आइकॉर्निया की जो लीव्स होती है वो थोड़ी सी बीच बीच में फूल जाती है और स्पंजी पिट्यूल पाया जाता है। देखिए यहाँ पे स्पंजी पिट्यूल है, देख रहे हैं आप, थोड़ा सालन हो गया है। दीज प्रोवाइड बायोंसी, ये इसको क्या प्रोवाइड करती है, बायोंसी, इसको हिंदी बोलते हैं उत्प्लावकता प्रदान करती है। पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट्स बाय द हेल्प ऑफ वाटर, तो इन प्लांट्स में जितने भी हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं
इनमें पॉलिनेशन और जो डिस्पर्जल होता है फ्रूट्स का वो वाटर की हेल्प से होता है, और इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमनली पाया जाता है। तो रिप्रोडक्शन का मेन मेथड क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये लीव के कैरेक्टर हो गए। अब हम देखते हैं एनाटॉमिकल। तो एनाटॉमी में हमने क्या पढ़ा था? रिडक्शन इन प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि हाइड्रोफिटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं तो यहाँ पर थिक क्यूटिकल नहीं पाई जाएगी, यहाँ पर क्या है स्टोमेटा वेल डेवलप नहीं होंगे, तो इसलिए रिडक्शन इन प्रोटेक्टिंग टिश्यूज स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर स्क्लेरल काइमा, कोलन काइमा, थिक क्यूटिकल, ऐसे टिश्यूज नहीं पाए जाते। इंक्रीज इन द एरेशन, तो ज्यादा से ज्यादा एयर इनको मिल सके तो इसके लिए भी यहाँ पर मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। रिडक्शन ऑफ सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यूज, तो मैकेनिकल टिश्यूज की कमी पाई जाती है। रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यूज, वैस्कुलर टिश्यूज की कमी पाई जाती है। जैसे मैंने बताया था जाइलम है वो लेस डेवलप होता है, सिर्फ एक कैविटी की फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पर स्क्लेरल काइमेटस जैसे टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। तो ये इसके एनाटॉमिकल फीचर्स हो गए। ये वापस रिपीट हो गया, ठीक है। ये आप एनाटॉमी इस तरह से, आपके एनाटॉमी में दो डायग्राम बनाने हैं, एक तो हाइड्रिला का बनाना है और एक दूसरा आइकॉर्निया टीएस, इनके स्टेम या पेटियोल के टीएस बनाने होते हैं। तो टीएस में आप ये देख सकते हैं, ज्यादातर ये देख रहे हैं आप एयर स्पेसेस पाए जाते हैं इनमें, तो यही बताना होता है। और अगर फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं तो इसमें स्टोमेटा यदि होंगे तो सिर्फ अपर एपिडर्मिस तक ही लिमिटेड होते हैं, और ज्यादातर जो सबमर्स प्लांट होते हैं उनमें एरेन्काइमा टिश्यू ज्यादा पाए जाते हैं, यानी एयर चैम्बर्स डेवलप हो जाते हैं, और एयर चैम्बर फिल्ड विथ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड मॉइस्चर। तो एयर चैम्बर में क्या है, ज्यादा से ज्यादा गैसेस एंटर कर जाती हैं तो वो गैस से फिल हो जाते हैं। तो ये इसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हो गए। ये डायग्राम देख रहे हैं आप, ये एयर चैम्बर्स पाए जा रहे हैं इनमें, ये एपिडर्मिस है, देखिए कोई क्यूटिकल की लेयर नहीं है इसके चारों तरफ, और जाइलम मैंने कहा था सिर्फ स्मॉल एक कैविटी की फॉर्म में पाया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर ना तो फ्लोएम है ना जाइलम की बहुत सारी सेल्स है, तो यानी यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यूज की बहुत कमी है, रिडक्शन पाया जा रहा है यहाँ पर। तो किस फॉर्म में पाया जा रहा है जाइलम? सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैविटी की फॉर्म में पाया जा रहा है। तो ये रिडक्शन बता रहा है कि यहाँ पर जितने भी हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें जाइलम एक कैविटी की फॉर्म में पाया जाता है। तो मैकेनिकल टिश्यूज एबसेंट और पुअरली डेवलप, तो मैकेनिकल टिश्यूज नहीं पाए जाते, यानी क्यूटिकल नहीं होगा, स्क्लेरल काइमेटा टिश्यूज नहीं होंगे, थिक वॉल्ड स्क्लेरल काइमेटा सेल्स टोटली एबसेंट। मेन फंक्शन ऑफ रूट्स इज टू एंकर इन द सॉइल, और रूट का मेन फंक्शन यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं है, मेन फंक्शन क्या है, प्लांट को सॉइल में एंकर करना है, बांध के रखना है सिर्फ। इन निम्फिया स्पेशल टाइप ऑफ स्टार शेप्ड लिग्निफाइड सेल्स प्रेजेंट विच विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो निम्फिया में एक स्टार शेप लिग्निफाइड सेल्स पाई जाती है, ये स्पेशल टाइप है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, वो इसको सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बस। ये आप देख रहे स्टार शेप्ड सेल्स हैं। रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यू में बता चुकी हूँ, वैस्कुलर एलिमेंट्स पुअरली डेवलप होते हैं, क्यों होते हैं कारण बताइए, क्योंकि इनको वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन की जरूरत कम पड़ती है। लिट इन नीड ऑफ कंडक्शन टिश्यू, यहाँ पर टिश्यू को कंडक्शन की जरूरत नहीं है, कारण क्योंकि ये वाटर में रहते हैं तो इनको कंडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इस तरह के टिश्यू इनमें लेस डेवलप होते हैं। ये वही चीजें बार बार रिपीट होंगी अलग अलग लैंग्वेज में, तो ये आपको पढ़ने हैं। तो ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है। तो आपको हाइड्रोफिटिक एंड जीरोफिटिक कैरेक्टर पता होने